दोस्तों एनडीटीवी बिका नहीं बिका ऐसे तमाम अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ बिक गया है 26% शेयर के साथ। जी हाँ, कुछ शेयर खरीद लिए गए हैं जो अडानी की कंपनी के जरिए अडानी ग्रुप के लिए जो है खरीद लिया गया है। अभी अडानी ग्रुप की जो मुसीबत है वो कम नहीं हुई है, खरीद तो लिया गया है लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई, मुश्किलें और बढ़ गई है। जैसा कि आप सभी को दो दिन पहले पता चला कि अडानी ने कुछ 26% शेयर खरीद दी है, लेकिन अब नई दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड के जबरन अधिग्रहणों की खबरों के बीच एनडीटीवी ने साफ कहा है कि अडानी समूह को इसके लिए बाजार नियामक एजेंसी सेबी से अनुमोदन करने की जरूरत होगी। यानी जो एनडीटीवी वाया करके खरीदा गया है, उस एनडीटीवी को बाजार नियामक एजेंसी सेबी से अनुमोदन की जरूरत होगी। अगर वो इजाजत देगा तब ही ये पूरा एनडीटीवी का जो 26% का शेयर है वो अडानी ग्रुप का होगा। अडानी समूह द्वारा एनडीटीवी के कथित अधिग्रहण की कोशिशों पर देश में चिंता जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस बारे में लिख रहे हैं। इसे आजाद प्रेस का मुंह बंद करने की साजिश बताया जा रहा है। बहुत स्पष्ट संकेत है कि एनडीटीवी समूह इस सौदे के खिलाफ है और वो खुलकर खड़ा भी हो गया है, क्योंकि ये वाया कंपनी जो है किसी और जो एनडीटीवी के जो और शेयर्स के जो मालिक थे 26% के, उनसे खरीदा गया है। जो मेन मालिक है उनका इसको लेकर खुला बगावत जो है वो शुरू हो गया है। वो सौदे के खिलाफ हैं और वो खुलकर इस पूरे मामले पर बोल रहे हैं कि उन्हें इस बारे में अभी जानकारी पूरी तरीके से हासिल नहीं है। एशिया के सबसे अमीर रईस आदमी और भारत के भी सबसे रईस आदमी गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह को एनडीटीवी खरीदने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड सेबी से अनुमोदन की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके संस्थापक और मौजूदा मालिक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को 2 साल के लिए 26 नवंबर से शेयरों में कारोबार करने से रोक दिया गया है। एनडीटीवी ने गुरुवार को एक्सचेंज फाइलिंग में ये बात खुद कही है। अडानी समूह ने मंगलवार को एनडीटीवी में 29.2% के अप्रत्यक्ष अधिग्रहण की घोषणा करते हुए बड़ा विस्फोट किया था, साथ ही खुले बाजार से 26% खरीदने की पेशकश की। एनडीटीवी ने बाद में कहा कि कंपनी और उसके संस्थापकों को ना तो इसके सौदे की जानकारी थी और ना ही उन्होंने इस हिस्सेदारी की बिक्री के लिए सहमति दी थी। एनडीटीवी की ओर से दी गई जानकारी इस अधिग्रहण की लड़ाई में नवीनतम मोड़ का प्रतीक है, क्योंकि रॉय इस सौदे पर जरा भी रजामंद नहीं लग रहे हैं। जी हाँ, एनडीटीवी के जो मुख्य मालिक हैं प्रणय रॉय और राधिका रॉय इस शेयर से बिल्कुल भी रजामंद नहीं है, खुश नजर नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त थी ही नहीं। कुछ सांसदों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चूंकि एनडीटीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की खबरों को आलोचनात्मक नजरिए से पेश करता है, इसलिए सरकार को ये चैनल पसंद नहीं है। सरकार इस चैनल को पसंद नहीं करती है, इसलिए इसको खरीदने के लिए ऐसी साजिश रची गई है। ऐसे में अडानी और प्रधानमंत्री के दोस्ताना संबंधों को देखते हुए अडानी समूह की ये कोशिश खतरनाक हो सकती है। अडानी समूह के एक प्रवक्ता ने टिप्पणी के लिए ईमेल के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया है। एनडीटीवी के शेयरों की कीमत करीब 329 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो इस साल 250% से ज्यादा बढ़कर टूट चुकी है। स्टॉक ने गुरुवार को दूसरे सीधे सत्र के लिए 5% की छलांग की है, दैनिक सीमा को पार कर दिया है, जो पिछली बार 2008 में देखे गए स्तर को छू रहा था वो अब 2022 में देखने को मिल रहा है। वर्तमान में ये 407.6 रुपए यानी कि जो डॉलर है 5.1 पर कारोबार कर रहा है, जो अडानी की खुली पेशकश की कीमत से लगभग 39% अधिक है। दोस्तों, तो ऐसे में जो बाजार के नियम कानून है, जो बाजार के शेयर बाजार के जो होल्डर्स हैं उनकी भी एक कंपनी होती है, वो है सेबी, और उससे इजाजत लेने के बाद ही ये शेयर्स अप्रूव्ड हो सकते हैं, ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही है। अब आप देखिए दोस्तों कि कैसे एनडीटीवी ग्रुप को खरीदने की बात कही गई और उसके बाद तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की मीम्स, तरह तरह की खबरें जो है बाजारों में तैरने लगी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी और लोगों के जहन में भी कि आगे क्या होगा।
वैसे रवीश कुमार ने सीधे तौर पर अपनी बातों का जो है खुलासा वो कर दिया है कि कैसे जो है वो एनडीटीवी से कोई इस्तीफा नहीं दे रहे हैं और एनडीटीवी अभी जिसका है उसी का ही है, यानी कि पूरी तरीके से जो हिस्सेदारी है वो अडानी समूह को, अडानी ग्रुप्स को नहीं मिला है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से एनडीटीवी को खरीदने के लिए पूरी जोर लगा दी गई है, लेकिन एनडीटीवी है जो कि अपने कदम पीछे खींचने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि दोस्तों सोशल मीडिया पर कई ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले जहां पर गोदी पत्रकारों के द्वारा जश्न मनाता हुआ ट्वीट्स नजर आया कि कितने वो खुश नजर आए। एक तरफ वो चाटुकारिता करते हुए जो है पूरे दिन निकाल देते हैं, 7-8 साल निकल चुका है चाटुकारिता करते हुए, लेकिन जैसे ही रवीश कुमार को लेकर ये खबर सामने आई कि एनडीटीवी बिक रहा है तो इनकी खुशी जो है वो फूले नहीं समा रही थी। इतना खुशी से झूम रहे थे कि ट्वीट कर रहे थे और ट्वीट करके इनको ही लोग गरियाने लगे, इन पर ही टीका टिप्पणी करने लगे, दलाल जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे ट्विटर यूजर कि दलाली दलाल जो हो दलाल, तुम क्या जानोगे सच्चाई और क्या जानोगे पत्रकारिता, जो सच्ची पत्रकारिता करता है उनको जो है लगता है कि उनसे कुछ छूट रहा है, लेकिन तुम लोग दलाली कर रहे हो और पूरे दिन दलाली में ही दिन बिता दिया जाता है, तो इस तरह से तुम लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, तुम आज भी दलाल थे कल भी दलाल हो। इस तरह के तमाम सोशल मीडिया पर ट्वीट्स पढ़े दोस्तों जो कि गोदी पत्रकारों को आईना दिखाने का काम करता रहा, लेकिन फिलहाल जो है एनडीटीवी को खरीदने की बात जो है वो अडानी ग्रुप्स की तरफ से कही गई थी, लेकिन अडानी ग्रुप्स की मुश्किलें जो हैं वो अभी टलने का नाम नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि एक तो पहले जो इनके मेन ऑनर हैं वो इस पर आपत्ति जता रहे हैं, दूसरा जो कंपनी है जो शेयर होल्डर्स कंपनी है सेबी वो इस पर अपना मुहर लगाएगी, तभी अडानी ग्रुप्स को जो 29.6% शेयर्स हैं वो उनके हाथों में लग सकता है। लेकिन फिलहाल अभी इस तरह की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि आखिर जो स्टेप्स हैं वो क्या लिए जाएंगे। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।